नई नवेली दुल्हन सुंदरी बीबी को जीने नहीं दिया गया। इल्जाम है कि उसके पति कबीरुल शेख ने पेचकस से गोद कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद से संदेही पति फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार पाकुड़ के मालपहाड़ी थाना क्षेत्र के चेंगा डांगा गांव के बगान टोला की रहने वाली 19 साल की सुंदरी बीबी का निकाह 22 साल के कबीरुल शेख के साथ 2 महीने पहले हुआ था। कबीरुल शेख ऑटो गोली का रहने वाला है। मारी गई विवाहिता के घर वालों का कहना है कि गुजरे 10 दिनों से दोनों पति पत्नी लड़की के पिता इमदादुल शेख के घर रह रहे थे। आज दिन में करीब 10:30 बजे किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि कबीरुल शेख ने पास पड़े पेचकस को पत्नी के गले में भोंक दिया। पत्नी लहूलुहान हो वहीं गिर पड़ी। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। वारदात की फैली खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मारी गई सुंदरी के घर वालों का इल्जाम है कि उसका पति अबीरुल के नशे की लत थी। वो अक्सर अपनी पत्नी से पैसा मांगा करता था। पुलिस को स्पॉट से पेचकस का हैंडल मिला है। पुलिस संदेही गुनाहगार को पकड़ने में जुट गई है। घटना पाकुड़ के मालपहाड़ी थाना क्षेत्र के चेंगा डांगा गाँव की है। एक पति के द्वारा पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसको जहाँ तक लग रहा है कि स्क्रू ड्राइवर से गला में वार किया गया है। लड़का का नाम कबीरुल शेख है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम लड़का को न्यायिक हिरासत में भेज कर उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। कोहराम लाइव के लिए पाकुड़ से जयदेव कुमार की रिपोर्ट।